योग दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश और पूरे देश को शुभकामना है मेरा, और ये भी कहूँगा कि भारत ये भूमि अभी से नहीं, ये तो हजारों साल पहले भी हमारे इस देश में प्रदेश में बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने अपना जीवन को योग करके ध्यान करके पूरे विश्व में संदेश दिया था। आज हम देखें अपने पूर्वजों को, पुरखा के लोगों को यही तो हमको सिखाया है, चाहे अपना महात्मा गांधी जी हो, अभी हमारे आधुनिक भारत में कहेंगे तो बहुत सारा ऐसे नाम गिना दूंगा जिसका जीवन ही योग है। महात्मा गांधी जी कहते थे एक चार द्वारी में रह करके एक कैसे जीवन जीना है, दिनचर्या सब हमको एक दिखाया था। और आज हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी इसको गांव में अंतिम छोर के व्यक्ति तक इस बात को बताने के प्रयास कर रहे हैं कि योग से आप हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को अच्छे से एक संयम जी सकते हैं। ये सब हमारी सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार पूरे प्रदेश में बताने के प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था नवीन जिला में, आज हमारे अधिकारी कर्मचारी के साथ, आम जनताओं के साथ, हमारे SP, हमारे एडिशनल कलेक्टर, हमारे जसवाल जी, तमाम लोगों के साथ में आज यहाँ पर हम योग किए हैं। बहुत अच्छा भी लगा, खास करके हम लोग नेताओं लोगों को तो थोड़ा से समय कम मिलता है, लेकिन जो भी समय मिलता है हम भी प्रयास करते हैं कि योग करके अपने भी और समाज का भी ख्याल करें, हमारा भी प्रयास रहता है।